आप ना हम, हमको चुनिंदा लोग इस बात को तय नहीं कर सकते हैं कि कौन यहाँ रहेगा कौन जाएगा। अभय खोपकर जी, सिर्फ पाकिस्तानी कलाकार ही क्यों, जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं उन सबको भी एमएनएस के मुताबिक बाहर चले जाना चाहिए, ये ज्यादा सही रहेगा एमएनएस के मुताबिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए। लगता है एक मिनट मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो जितने लोग मुझे विरोध कर रहे हैं कि हम जो बयान वो गलत है, आतंकी हमले में मेरे घर पे कोई मरा नहीं है ना आपके घर पे कोई मरा है, इसलिए हमें वो पता नहीं है। जाके उन घरों में जाके माहौल देखिए क्या माहौल है, जिनके घर में आज 26/11/11 के हमले में छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, नौजवान युवक मरे हैं, आज ये पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं। हमें परिवार वालों ने ये तो नहीं कहा कि हम हर पाकिस्तान को पकड़ कर पीटेंगे और पीट कर बाहर कर देंगे, ये तो उन परिवार वालों ने नहीं कहा, ये तो एमएनएस कह रही है। ये वक्त नहीं है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का। अरे पर हमेशा हम ही क्यों चर्चा की भाषा करें, समझौता हमेशा हम ही क्यों करें, हिंदुस्तान ने हमेशा एक स्टेप अहेड किया है, पहला कदम हिंदुस्तान ने बढ़ाया है। हाँ। और हमेशा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। ये लोग आप ही की तरफ से बयान और आया है कि पाकिस्तान के कलाकार यहाँ से पैसे कमाते हैं और पैसे पाकिस्तान जाते हैं और वो हम पर आतंकी हमला करते हैं, तब तो सीबीआई एनआईए सबको बंद करके एमएनएस को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि यही सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जिसके पास इतने तमाम सबूत हैं कि ये पाकिस्तानी कलाकार पैसे कमाकर उसका इस्तेमाल टेररिज्म में करते हैं। यदि साहब आपको समझ जाते हैं, अरे आप तो सीनियर हो ना, आपको तो समझ आना चाहिए, वो यहाँ पे उनका पाकिस्तानी कलाकारों का यहाँ पे अकाउंट नहीं होता, यहाँ से पैसा अरूद होता है, दुबई से पैसा जाता है पाकिस्तान, उसका पैसा वो पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, आप तो वो जो टैक्स पे करते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा ज्यादा आपके जो पैसा है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान विरोधी चीजों में किया जाता है। बिहार से बिहार को मार के निकाल दीजिए, यूपी वालों को निकाल दीजिए, इससे ज्यादा आपकी देशभक्ति नहीं है क्या? आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ वहां पे आप तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, आमिर खान की कितनी पिक्चर पाकिस्तान में देखी जाती है? पाकिस्तान की पिक्चर पाकिस्तान में नहीं चलती है, हिंदुस्तानी कलाकारों की पिक्चर पाकिस्तान में चलती है, मुंबई में यहाँ के कलाकारों के ज्यादा फैन है पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये फैसला लेना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीजिए, आज इस पर पाकिस्तान कीजिए, आज ही कहिए ना प्रधानमंत्री का आज बयान आना चाहिए, आज ही होम मिनिस्टर का बयान आना चाहिए, जितने पाकिस्तानी ये देश छोड़ के चले जाए, क्यों नहीं कहते आप उनसे? आप ये तोड़फोड़ की राजनीति कब तक करेंगे? ये बर्दाश्त नहीं होगी। आप भी गैर कानूनी तरीके से अंजाम देते हैं, अगर आप किसी का जाकर देना तो या इस तरह से काम कर देना, किसी का मुंह पे स्याही डाल देना, ये कहां से दादागिरी है? ये कहां से संविधान में लिखा है कि हां ये गुंडागिरी है? संविधान में अधिकार दिया। अच्छा खोपकर साहब ये बताइए कि ये कलाकार पिछले कई सालों से यहां काम कर रहे हैं, एमएनएस का स्टैंड तो शुरू से ही रहा है, अपने आप को एमएनएस देशभक्त कहती है और ये कहती है कि हम सबसे पहले हम ही आगे होते हैं, तो ये अभी क्यों हो रही, फिल्म रिलीज से पहले ही क्यों? आप ये पहले गवर्नमेंट को सुझा देते, ये सुझाव कि आपको इस पर अमल करना चाहिए, निकालिए सब पाकिस्तानी कलाकार। 11 साल से इसके ऊपर हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं, आप हफ्ता वसूली करते हैं, जो प्रोड्यूसर आपके यहाँ पैसा पहुंचा देता है उसकी पूरी फिल्म रिलीज हो जाती है, और जो पैसा नहीं पहुंचाता है उसके लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं, ये सब पूरा देश जानता है। अगर आपको ऐसे लगता है, नहीं हमें ऐसा ही नहीं लगता, ये ऐसा होता है, लगता है जो कि आप जिसका विरोध करते हैं प्रोड्यूसर आपसे कानून आके मिल लेता है, सुबह आपकी फिल्म रिलीज हो जाती है, ये सब जो आप तक नहीं पहुंचता है उसकी फिल्म रिलीज नहीं होती। आप उधर दिल्ली में बैठे बोल रहे हो, हफ्ता वसूली करते हैं दिल्ली में बैठे बोल रहे हो, आ जाओ इधर, और ये बंद होनी चाहिए, आप आके दिखाइए ना इधर, महाराष्ट्र मैं आता हूँ, बताइए कब आता हूँ, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, ये आप देशभक्ति नहीं चल रहा। सरदाना जी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, सरदाना जी देखिए मेरा ये कहना है 48 घंटे का समय दिया है, देखिए बाद में क्या होता है, 50 घंटे मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि ऐसे इंसानों को जो संविधान के विरुद्ध काम करते हैं इन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको भी पता है कि ऐसा कुछ